फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति गणराज और अभी फिलहाल मैं हूं अमरावती रोड पे। जैसे आप सभी को पता है, रिसेंटली आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वाड़ी साइड। वाड़ी साइड से अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हाल फिलहाल में देखने को मिलता है। दिस इज द 4 लेन फ्लाईओवर जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन में है और बहुत ही तेजी से इसका काम जो है वो स्टार्ट है। क्या कुछ प्रोसेस है वो तो आप वीडियो के साथ साथ देख ही सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The National Highway Division of State Public Work Department, that's PWD, will build 2 flyovers on Amravati Road. This structure have been sanctioned under Government of India's National Highway Budget of 2021. The funds will released by Ministry of Road Transport and Highways, headed by Nitin Gadkari. बात करें इस फ्लाईओवर की, सो ये फ्लाईओवर जो है वाड़ी गुरुद्वारा से स्टार्ट होकर बियॉन्ड द गेट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1 अंबाजरी तक के इसके लेंथ रहने वाली है। और टोटल लेंथ की बात करें सो 1.8 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस ये फ्लाईओवर कवर करने वाला है। दोनों भी फ्लाईओवर 4 लेन के होने वाले हैं और इसे 2020-21 में मंजूरी मिल गई थी और अभी फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट है, वर्किंग प्रोसेस में है और 50% वर्क जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है। दिस 2 फ्लाईओवर्स आर जस्ट बिल्ट टू द ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक का इश्यू जो सॉल्व करने के लिए ये दोनों फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किया है ऑन द अमरावती रोड। अभी तक तो आपने सिर्फ पिलर्स देखे होंगे यहाँ पे, बट रिसेंटली यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है फ्लाईओवर का वो भी लाके सेटअप कर दिया है। आप देख सकते हो 4 लेन फ्लाईओवर का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लाके रख दिया गया है। रिसेंटली आपको ये देखने को मिल जाएगा, यूथ सा स्ट्रक्चर है जो कि वाड़ी पुलिस स्टेशन के जस्ट साइड में आपको देखने मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे वाड़ी फ्लाईओवर की लैंडिंग होने वाली है। The engineers of this project told that the first flyover would start from Bole Petrol Pump and end till RTO. The second flyover on Amravati Road will be built in Wadi. It will start from Wadi Gurudwara and end beyond the gate number 1 of Ordnance Factory, Ambasari. जैसे आप सभी को पता है अमरावती रोड पे एक नहीं 2 फ्लाईओवर्स का काम जो है वो बहुत ही स्पीड से चालू है। अभी तक वाड़ी फ्लाईओवर का काम जो था वो चालू था, बट रिसेंटली आरटीओ फ्लाईओवर का भी काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसकी अपडेट अगर आपने चेक नहीं की है तो मैं आई बटन पे मेंशन कर रही हूँ, वो जाके चेक कर लीजिए। रूट पे नेक्स्ट फ्लावर है हमारा वाड़ी फ्लावर और वाड़ी फ्लावर का काम तेजी से स्टार्ट है। इवन दो इस साल के एंडिंग में ये फ्लावर कंप्लीट होने के बहुत चांसेस है। चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक तो बनती है फॉर दिस वीडियो। बात करें इसकी लागत की तो 150 करोड़ में इसे सैंक्शन किया गया है और फाइनल एस्टिमेट इन 2 फ्लाईओवर्स का जो है वो साइड बाय साइड स्टार्ट हो चुका है। More flyovers are set to be added in the second capital of Maharashtra. Nitin Gadkari has approved various new projects including these 2 flyovers also. The project on National Highway 53 have been approved it with the budget of 478.83 crore. Both the flyovers are on the same way, Amravati Road. Cost of both the projects was worked out separately, but a single tender at the cost of ₹478.83 crore has been issued. There are several traffic signals on this road. Those using the highway have to stop at the signal. There will be street lights on the flyover and below the flyover also. Apart from these 2 flyovers in Nagpur, Gadkari tweeted about approval for some other projects in Nagpur division. This included national highways, roads construction and etc.
जिसमें 16 माइनर और मेजर ब्रिजेस है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट की और साथ ही में तिरोड़ा गोंदिया इवन दो आमगांव गोंदिया के नेशनल हाईवेज और टू लेन स्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट के लिए